हेलो गाइज, वेलकम बैक टू निधिज किचन। आप सबको परफेक्ट खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम व्रत में साबुदाना खिचड़ी या साबुदाना वड़ा खा के आप बोर हो गए होंगे, तो इस बार क्यों ना आप सोमे के चावल की खीर बनाकर नवरात्रा व्रत में आप इसे यूज ले सकते हैं। जैसे इसे बनाने के लिए मिल लिया है दूध, खोपरा बूरा, आलमंड्स, थोड़ी सी मैंने लिए केसर, दो इलायची लिए मैंने अच्छे फ्लेवर के लिए, थोड़ी सी किशमिश, और ये मैंने लिया है सवा, इसे मोरधन भी कहते हैं, भगर भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो हम इसे सवा के चावल को हम पानी डालकर, इसे हम दो तीन बार पानी डालकर इसे धो लेंगे, क्योंकि मार्केट से जो चीज़ हम लाते हैं उसे धोकर ही यूज में लेना चाहिए। तो अच्छे से इसमें कंकर वंकर भी हो तो आप इसे धोकर साफ कर लीजिए। अब मैंने दूध को गैस पर चढ़ा दिया है, दूध को बॉईल होने दे, थोड़ा सा इसमें उबाल आने दे। दूध अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हल्का हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी केसर, केसर को हम दूध में डाल देंगे ताकि जो हमारे सवा के चावल है और दूध है उसके साथ केसर भी उबलेगी तो इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, अच्छा से इसमें कलर आ जाएगा। तो मैंने इसमें केसर डाल दिए, ये ऑप्शनल है, आप बिना केसर वाली खीर भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसे मिक्स कर देंगे तो ये दूध अच्छे से उबलने लग गया है, इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी सवा के चावल, इसमें डाल दूंगी, मैंने इसे अच्छे से दो तीन पानी से धो लिया है, अब हम इसे इसमें डाल देंगे। आपको इसकी क्वांटिटी कम ही लेना है क्योंकि ये अच्छे से जी फूलते हैं दूध के अंदर, तो इसलिए अभी आपको ये दूध में खीर बिल्कुल पतली सी लग रही है, पर ये जैसे ही उबलेगा धीरे धीरे हमारी खीर गाढ़ी होती जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर धीरे धीरे गाढ़ी होती जा रही है क्योंकि जो हमने चावल लिए सवा के चावल खीर के लिए वो फूलते जा रहे हैं, इसलिए हमारी खीर धीरे धीरे गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए आप इसमें ज़्यादा नहीं डालें। अब मैं इसमें डाल दूँगी शक्कर, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिठास डाल सकते हैं, इसमें शक्कर आसानी से अच्छे से घुल जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, शक्कर घुल गई है, अब मैं इसमें डाल दूंगी किशमिश, किशमिश को मैंने थोड़ी देर पानी डालकर भिगो दिया था, ये अच्छे से फूल गए हैं, अब मैंने इसको खीर में डाल दिया है। अब हम इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे ताकि हमारे किशमिश में जो पानी भर गया है वो भी आसानी से फूल जाए और उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप खीर जितनी गाढ़ी रख सकते हैं उतना आप इसे तोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसमें डाल दूंगी इलायची, इससे अच्छा टेस्ट आता है, मैंने इसको हल्का सा दरदरा कूट कर ही डाल दिया है। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है खोपरा, तो आप इसमें कोई भी आपकी पसंद से ड्राई फ्रूट्स यूज ले सकते हैं या फिर आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इसे यूज ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से कटे हुए बादाम, और फ्रेंड्स देखिए हमारी खीर बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे फ्रेंड्स आप ठंडी करके, ठंडी होने के बाद आप इसे खाएं तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्ट, बहुत ही फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आएगा। तो आप नवरात्रि में इसे व्रत में ज़रूर बनाकर खाएं,
9 दिनों तक आपको बिल्कुल भी वीकनेस फील नहीं होगी और आप नए नए तरीके से कोई भी फलार आप यूज ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी खीर ठंडी हो गई है, मैंने इसे बाउल में सर्व कर दिया है। तो आपको मेरे सवा के चावल की व्रत वाली फलारी खीर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।